नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। पेंशन के लिए दर दर भटक रही असहाय विधवा। मामला वार्ड 19 अशोक निवासी शीला देवी विधवा पेंशन के लिए 3 साल से दर दर भटक रही है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जहां जहां जाती है उन्हें सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। सुविधा शुल्क ना दे पाने के कारण शीला देवी अभी तक पेंशन के लिए पात्र नहीं हो पाई। तक हार कर आज वो कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर आज धरना देने बैठ गई। तब SDM प्रशासन विवेक मिश्रा ने उनका ज्ञापन लिया और उन्हें पेंशन के लिए आश्वस्त किया। क्या नाम है आपका? शीला देवी। आप आज यहाँ पे धरना स्थल पे आई हैं? हाँ। क्या मामला है? हम आए कवर आए चक्कर में। कहाँ से आई हैं? हम यहीं से एटा ही आए हैं। एटा में कहाँ से? राजू दुबे के। मामला क्या है? कवरा ना मिलो लिख के दाओ ना एप्लीकेशन और मामे नगर पालिका गए सब पैसा और मान। कमरा काय के लिए चाहिए? रहवे के ताई किराए पे रह रही आवास के लिए। हाँ, तो उसमें हुआ क्या? आवास नहीं मिल रहा है आपको? कम ना मिल रहा हुआ का खबर। राजू दुबे सभासद ने क्या कहा आपसे? पर मुन्ने वो दादा ही एप्लीकेशन लिख के जी, फिर कोई सुनवाई ना करी नगर पालिका में। नगर पालिका में कौन है जो सुनवाई नहीं कर रहा आपकी? जसवीर पैसा मांग रहे। कौन है ये? अब मुझे का मालूम कौन है। बाबू बाबू वही है। हाँ, क्यों क्यों नहीं काम कर रहे? 5,000 रुपया मांग रहे आपसे। मांगा है 5,000 रुपये? हाँ। क्या कहा उन्होंने? 5,000 रुपया दे, उसके बाद काम होगा। तो अब आप क्या चाह रही हैं? अब कवरा चाह रहे हैं। चाहती हैं ना तो कवरा चाहते हैं, किराए पर रह रहे हैं। तो पैसा तो आप देंगे नहीं उनके लिए, तब तक वो काम तो करेंगे नहीं, फिर क्या करोगी आप? क्या करें फिर, किराए पर ही रहेंगे, मत जाएंगे फिर ऐसे। ठीक है। सर, आज विकलांग लोगों द्वारा एक ज्ञापन आपको दिया गया है, क्या कुछ कहा गया, इसमें क्या समस्या बताइए सर? कुछ आज दिव्यांग यहाँ धरना स्थल पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा पेंशन के लिए और आवास के लिए कुछ आवेदन पत्र दिए गए हैं, उसकी जाँच करा करके। सर, जो